हिमाचल प्रदेश राज्य कॉरपोरेट सेक्टर से सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। 1999 में तत्कालीन प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश राज्य कॉरपोरेट सेक्टर के कर्मचारियों की पेंशन बंद कर दी थी, लेकिन सरकार अब इन कर्मचारियों की मांगों को लेकर गंभीर नजर नहीं आ रही है। इन कर्मचारियों का कहना है कि 2017 में सरकार ने पेंशन देने का वादा किया था, लेकिन अब अपना वादा सरकार भूल गई है। उन्होंने कहा कि इसको लेकर उपायुक्त कार्यालय के बाहर शिमला में प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री व गृह मंत्री को ज्ञापन भेजा जाएगा। यदि सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है तो सरकार को इसका खामियाजा आने वाले विधानसभा चुनाव में भी भुगतना पड़ सकता है। मुद्दा पेंशन का 1999 में जो पेंशन तत्कालीन भाजपा सरकार द्वारा नोटिफाई की गई थी और 2004 में जिसे विड्रॉ कर दिया गया था, उसे बाहर करने के बारे में जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि सरकार इसे शीघ्र से शीघ्र बाहर करे, वरना आने वाले विधानसभा चुनाव में परिणाम भुगतने के लिए तैयार है। कितने रिटायरीज है आप इसमें? हम 6,730 कर्मचारी जो है, लगभग 20 कॉर्पोरेशन बोर्ड के रिटायरीज, इनको पेंशन नहीं मिल रही। तो अभी आपने धरने की बात की, कब आपका धरना होगा? कल 11 बजे हमारा जिलाधीश कार्यालय के बाहर यहाँ धरना होगा और पूरे प्रदेश में, यही नहीं पूरे प्रदेश में, हर जिलों में जो है वहाँ के कर्मचारी अपने जिलाधीश के पास धरना देंगे और तो उसके माध्यम से प्रधानमंत्री व गृह मंत्री को जो है ज्ञापन दिया जाएगा। मानसून सत्र में आपने विधानसभा घेराव की भी बात की है, कब जो है वो घेराव होगा? मानसून सत्र जैसे डेट आएगी उसके बिल्कुल हम डिसाइड करेंगे उस जो भी डेट, क्योंकि उसके लिए परमिशन भी लेनी पड़ती है। जैसे आपको मालूम है सभी अलग अलग विभिन्न जो है तो धरना देने या उसके करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें भी जो डेट सूटेबल डेट डीसी के या एडीएम से मिलेगी वो उसमें हम धरना उसमें जो है घेराव करने की कोशिश करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।